गाइस आज हम फिर से खेलने वाले सेव द गर्ल। तो चलिए अपने लेवल को स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं सेव द गर्ल। हमारी गर्ल किसी ज़ॉम्बी फॉरेस्ट पे आ चुकी है। यानी इसको दिक्कत क्या है, ज़ॉम्बी फॉरेस्ट पे इसको क्यों आना था? सबने स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मोमबत्ती होनी चाहिए कि हम इस रेडियो लेंगे, क्योंकि इस गेम में लॉजिक नहीं है। देखिए रेडियो बजा और बहुत सारे चमगादड़ उड़ गए। बढ़ते आगे चलते हैं। क्या ज़ॉम्बी और व्हाट ज़ॉम्बी आ गया है? तो मून मैं कर देता हूँ। एक सेकेंड मून फुल हो गया तो वो भेड़िया बन गई। ये क्या बात हुई? आई हैव टू स्नैक। आई थिंक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए हमें भी, क्योंकि हम उसके आगे से निकल कि वो हमें पहचाने का ही नहीं। क्या मतलब क्या है ये गेम, किसने बनाया है ये गेम? फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। ये बहुत आते हैं इस, मतलब हर गेम की एक प्रॉब्लम है कि ऐड आना ही आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे और हम कहीं पे आ गए हैं कोई भूतिया जगह पे। दो ज़ॉम्बीज हमारी गर्ल के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ बंदूक तो होगी नहीं, मुझे पता है कुछ ये जो भी है आम टाइप का क्या है शूट। ओ एक सेकंड ये कहां से आ गया? कुछ भी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट पे और यहाँ पे क्या बैटरी रखी है, मुझे पता है इसमें पानी पड़ेगा और इन लोग को किरण लगेगा, लेकिन ज़ॉम्बीज को तो किरण लगता ही नहीं है। ये कहाँ से हो गया भाई? फिलहाल अपनी नेक्स्ट लेवल बढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। और क्या ऐसे की बात, फिर से ज़ॉम्बी एक पीछे पड़ा है। कितने ज़ॉम्बी है? ऑयल फेंक देंगे और ऑब्वियसली ये फिसल ही जाएगा ना, ये तो छोटा सा बच्चा है फिसल ही जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेवल पे यानी कि आगे और करती हैं नेक्स्ट लेवल प्ले। ये क्या प्ले? यार इंटरनेट नहीं है, प्ले कर रहे तो भेजते क्यों? मेरे आई थिंक हेलमेट पे तो कुछ नहीं कर पा। अरे उसने मार दिया यार, क्या क्यों मार दिया? चल अब के बाद हम भाई कैप्टन अमेरिका की शील्ड ले लेंगे। तो हमने कैप्टन अमेरिका की शील्ड ले, उसने मार ही नहीं पाया, मतलब शील्ड के सामने तलवार उसका शील्ड पे लगी। ओके भाई डिस्कस्टिंग। आई थिंक पोछा लगाना चाहिए क्योंकि साफ होना चाहिए। नहीं होगा, मुझे पता था इसका कुछ ना कुछ उल्टा ही है, हमेशा इसका उल्टा ही है। इस पर अपना माइंड लगाता ही क्यों यार? फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे मेरा आर्मर पे और हम लगाएंगे अपनी अमेरिका की शील्ड और बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। चल रही है आगे। अब की बार जेक जो भी सन टाइप का था शायद, तो हम ये सन ले लेंगे। ओ भाई उससे वो केमिकल सूख गया भाई। धन्य है यार ये गेम, धन्य सीरियसली। ओ गॉड व्हाट डू आई थिंक इसमें, क्योंकि मैंने फिल्म में देखा है कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। क्या इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है और अपना हम पास हो जाते हैं। लॉस्ट इट नेक्स्ट लेवल। अच्छा इसको क्रेन मिल चुकी है और इसको आती है क्रेन चलाना। यार चला रही है देसी, मतलब पेड़ को तोड़ना। अच्छा तो मैं इससे अपना ये भी है कि उसको डालूंगा और वो टूट जाएगा पेड़। हम बढ़ते हैं आगे। अब ज़ॉम्बीज आ गए हैं। व्हाट डू आई डू? आई थिंक अब की बार तो बटन भी होने चाहिए। बटन से हम गिर गए। तो बटन दिए क्यों? जब गिरना होता तो आपने बटन ही क्यों दिया भाई? तो हम लोग की जब जो पैर टाइप का इससे मारे वो लोग इधर उधर गिर जाएंगे सीरियसली यार। अब इतना बड़ा ज़ॉम्बीज आ गया, मैं क्या कहूं? अब की तो बटन होना चाहिए। एक सेकेंड, मतलब कुछ भी वो रोबोट बन गया बटन दबाने से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेवल पे। मेरा दिमाग इस समय पता है बहुत खराब हो रहा है। एक तो ये एड लगा रहा है, आई एम स्कैर्ड। एक हम ट्रेन पे हैं, हमारे पीछे चोर आ गया, चोर हमसे रुपए मांग रहा है। मतलब चोर चुराता है और ये चोर भाई साहब हमसे रुपया मांग रहे हैं, क्या है? और लड़की देना भी चाहती थी, वो पर्स है मोबाइल है, उन्हें पर्स दे दिया। अब वो पर्स देख भी चुका है खाली है, उसके बावजूद भी चोर ने लड़की को नहीं पकड़ा है यार, क्या? आई एम वेरी ऑफेंडेड।
तो हम ये स्प्रे यूज कर देते हैं, चोरो कुछ नहीं हो, चोर है हमारी लड़की को जैसे मार दिया का आई डोंट नो। फिर से हम आ गए अपनी लेवल पे और अब की हम केला फेंकेंगे और चोर गिर जाएगा। चोर ने देखा भी नहीं, मतलब आंखें हैं बटन आई है, कुछ करना होगा आई थिंक लीवर। एक सेकेंड, नहीं लीवर हमने कहीं और लगाया और इतनी जल्दी इतना मैक्सिमम कैसे बन गया कि वो चोर गिर गया। किसने बनाया है ये गेम, मुझे उसके पास जाना है। लॉस्ट इट करता हूँ फ्लास, आगे बढ़ते हैं अपने गेम की तरफ। फिर से एक डॉग आ गया स्कैरी और हमें ये हम कंबल लगा देते हैं और वो बाथरूम कर रहा है क्या। मैं सच्ची में समय मेरा दिमाग फटने वाला है, मैं रोने वाला हूँ बहुत बुरी तरीके से। क्या है ये गेम, मैं हमें बार बार कह रहा हूँ, बार बार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो उसकी पैंट में कुछ चिपक गया है, हम शायद ये क्या पर्दा कुछ यही लगा के देख रहा। और उसने कपड़े चेंज कर लिए, वो नहा के निकल आई यार। फिर से चोर आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक मैग्नेट शायद। ओ मैग्नेट से उसको पता चल गया कि मुझे लड़की ने मतलब निकाला हुआ जो सही। अब हमने हथौड़ा मार दिया है तो हथौड़े से चोर डम यानी गया। मुझे खांसी आ रही थोड़ी बहुत, मेरा गला इस समय बहुत सूख रहा है, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं। ही स्टॉप नहीं, अब इसको कुछ करना ही पड़ेगा। उसने एक सेकंड, उसने चिल्ला चिल्ला के देखा और चोर भागने लगा। चोर ने ये भी नहीं सोचा यार वो लड़की है और सामान गिरा के कर भी क्या लेंगे यार। फिलहाल हम जो टाइम और कुछ घड़ी ले रहे हैं, अपने सामान रख दिया जी, क्या हो सकता है, ऐसा हो नहीं हो सकता। टाइम अगर इन्हें पीछे करा तो इनको भी तो पीछे जाना चाहिए था यार, ये गेम क्यों है। अब क्या हम ये लगा लेते हैं, ओ शिट, मतलब वो स्कैन होने लगा, चोर भाग गया जबकि चोर ने तो देखा ही नहीं है, वहां पे कोई है नहीं, फिर भी चोर डर रहा है, कहां का बनेगा यार चोर। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।